ये क्लिप गाइस लास्ट नाइट की है, मम्मी का टीवी देखने के लिए पैशन मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और पता है टीवी में क्या, बिग बॉस। मेरी मम्मी बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन है, मतलब इतना बिग बॉस उन्हें पसंद है ना, आप खुद ही देख लो, नींद आ रही है पर बिग बॉस देखना है। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हो गई हूँ नहाकर रेडी और अब मैं करूँगी अपने दिन की स्टार्टिंग। ये है मेरा आज का नाश्ता, पनीर का पराठा है और मैंने लिया है थोड़ा सा आम का अचार और थोड़ी सी चाय। ये जगह है गाइस जो मैं आपको कल रात को बता रही थी ना कि यहाँ मेरे घर के साइड में कुछ गमले रखे थे वो नीचे गिर गए पता नहीं कैसे। ये देखो अभी भी गिरे हुए हैं मेरे पेंट किए हुए गमले, यार इतने प्यारे। मुझे बहुत दुख हुआ देख के सच में, एकदम सडनली मैंने जैसे देखा पानी डालने के लिए गमले ही नहीं है। ये प्लांट्स तो मैं वहाँ से ले आई थी, मैंने यहाँ रख दिए हैं निकाल कर इन्हें। कि मैंने दो वॉलनट भिगोए हैं, एक मम्मी के लिए एक मेरे लिए शाम को खाने के लिए। भिगो कर इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अब हम खाएंगे फ्रूट, अमरूद मुझे पसंद है, अमरूद है नहीं, बनाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एप्पल खाऊंगी मैं अभी एक। धूप में चल के क्या कर रहे हो? पानी पी रहा हूँ। कहाँ आ रहा है? आवाज कहाँ से आ रही है? आज लंच में बना रही है मम्मी मूली के पत्ते की सब्ज़ी, इसे मूली की भुजी कहते हैं। इससे मम्मी ने पहले बॉईल करा एक आलू और थोड़ी सी मूली डालकर, काफ़ी अच्छा और अलग टेस्ट आता है इसका। इसमें उबालने में डालना है थोड़ा सा सोडा खाने का, और अब निचोड़ के धनिया, मिर्च, नमक, बस यही डलेगा। और उसमें मेथी का प्याज का छौंक लगेगा, दाना मेथी का। ये सब्ज़ी ना लगती तो बहुत अच्छी है बट इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि जब इसको बॉईल करते हैं ना इसके पत्तों को सब्ज़ी बनाने के लिए तो बहुत गंदी स्मेल आती है कुकर खोलने के बाद। बट या नो डाउट खाने में मतलब सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, जब सब्ज़ी बन जाती है फिर कोई स्मेल भी नहीं आती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। मक्का की रोटी के साथ भी और जो नॉर्मल गेहूँ की रोटी होती है उसके साथ भी। के तड़के में मम्मी ने सरसों के तेल में थोड़ा सा दाना मेथी और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। बस मसाले इसमें पहले ही मिल चुके थे, अब इसे सबको डालकर थोड़ा सा भूनना है काफ़ी अच्छे से एक्चुअली, क्योंकि वैसे पका हुआ है ये बट जितना भूनेंगे ना उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे मम्मी ने अप्रॉक्स 10 मिनट अच्छे से भूना है, इस पर चलाते रहना है वरना नीचे से बार बार जिसमें भी आप पकाओगे ना उसमें थोड़ा लगेगा, ये बार बार चलाते रहिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी, एक डिफरेंट सा
टेस्ट होता है सब्जी का, बहुत अच्छी लगती है सच में। कई लोगों के घर में आप लोगों की बनती भी होगी और कईयों ने ये पहली बार सुना होगा आई एम श्योर। बस आगे यही दुख है, यहाँ से खींचे पता नहीं कौन सी ना सही है। बस बस और निलाएगी हाथ से लगा ना। और ये है वो मिर्च जो मम्मी ने गन्ने के विनेगर सरके में बनाई थी, रेडी है अब ये। उठ गई हूँ सोकर, नींद मुझे आजकल ज़्यादा नहीं आई, मम्मी भी नहीं सोई हैं अभी बोला उन्होंने, और अब मुझे लगी भूख। मैं बनाऊँगी आज चाय और ब्रेड, शाम को मेरा मन कर रहा है आज ब्रेड खाने का चाय के साथ। एक होता है ना ऐसा कुछ जो आप बीमार होते हो तब खाने का मन करता है, वो चाय और ब्रेड है मेरे लिए। मैं बचपन में जब बीमार भी होती थी ना, स्पेशली जब भी मुझे फीवर होता था, ऐसे कुछ खाने का मन नहीं करता, हर चीज़ कड़वी लगती है, टेस्टलेस लगती है, तो मैं चाय ब्रेड खाती थी बस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मेरा मन कर रहा है तो मैं आज चाय ब्रेड खाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी मैं ऊपर वॉक करने। मैं लंच नहीं करती हूँ इसलिए मुझे शाम को भूख लगती है, एक्चुअली मुझे शाम को भूख लगती है इसलिए मैंने लंच यूँ कहूँ छोड़ दिया है या जो भी है। मतलब मैं लंच के टाइम मुझे तब भूख नहीं लगती, कुछ टेस्ट करने के लिए मैं बस खा लेती हूँ तो खा लेती, ऐसे स्पेसिफिक लंच नहीं करती मैं, बहुत कम ऐसा होगा कि मैंने बहुत लाइट नाश्ता करा है तो मैं लंच कर लूँ, अदरवाइज नहीं करती। मैं गई थी इनके लिए प्लांटर्स लेने, गमले लेने, बट उनकी नर्सरी बंद थी तो मुझे अब कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कल मैं नहीं जाऊंगी, अभी भी मैं लेने नहीं जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी परसों, मुझे कुछ काम है तो मैं तभी कुछ इनका लेकर आऊंगी इनको लगाने के लिए। गमले अभी मैं लगा रही हूँ इन्हें पॉलिथिन में 2 दिन तक, ताकि इनको सर्वाइव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं ऐसे पानी नहीं दे सकती ना इनमें खुले में। क्या यार बदतमी, इसको देखना इसमें कुछ खाने के लिए है भी जो वो खाने गई है इनको, फालतू में मेरा नुकसान कर दिया। दोनों पे पत्ते भी ऐसे अभी मतलब नए आ रहे हैं, विंटर सीजन होता है ना इनकी फ्लावरिंग के लिए। ये पास से दिखाऊं, ये आ रहे हैं अभी छोटे छोटा ग्रोथ हो रही है इन पर। मैंने रख दिया इन दोनों को पॉलिथिन में और पानी भी डाल दिया, इनकी मिट्टी सूखी थी तो
तो पानी डालना था इसीलिए मैंने इसमें रखा। ऊपर वॉक करने अकेले, मतलब सबसे ऊपर छत पर मैं हूँ, मम्मी नीचे वाली छत पर है। मम्मी को ना स्पाइन में प्रॉब्लम है, ये जो बहुत ज़्यादा गैप वाली स्टेयर्स होती है ना वो नहीं चढ़ सकती मम्मी। डेंटिस्ट के वहाँ गए थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप था उन स्टेयर्स में, तो मम्मी को थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो इसलिए मम्मी आज ऊपर नहीं आई हैं, नीचे घूम रही हैं। मैं तो आज स्वेटर निकाल कर आई हूँ ऊपर वॉक करने, यार वैसे भी गर्मी लगती है और आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। बस जब बारिश हुई थी ना तब यहाँ पे अच्छी खासी ठंड थी, अदरवाइज़ काफ़ी गर्मी है अभी यहाँ दिन में। सुबह शाम तो काफ़ी अच्छी सी ठंड है बट दिन में गर्मी है। देखिए सुनो, मैंने कर लिया है अपना डिनर, और डिनर में आज मैंने खाई है गोभी आलू की सब्ज़ी। मैंने बहुत डिफरेंट स्टाइल से गोभी बनाई थी, एक्चुअली क्या है ना मुझे हर एक सब्ज़ी हर एक चीज़ वो बहुत तरीके से बनानी आती है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी बट हर जो चीज़ हमारे घर में बनती है, या मैं कहूँ जो भी सब्ज़ी हमारे घरों में बनती है, नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, तो वो हर सब्ज़ी मुझे एटलीस्ट दो तरीके से तो बनानी आती है। और ज़रूरी नहीं है आपने हर चीज़ कहीं से सीखी ही हो, जैसे मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, मैं खुद भी खाने के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है हर किसी को करने चाहिए। जो भी जैसे हमारे घर में जो खाना बनता है डेली, वो सालों से वही रेसिपी बनाते रहते हैं, बोर हो जाते हैं। मतलब अगर आलू गाजर बना रहे हैं तो आलू गाजर की वही एक रेसिपी फॉलो करते रहते हैं पूरा लाइफ, आलू गोभी बना रहे हैं तो गोभी की वही रेसिपी फॉलो करते रहते हैं, मतलब राजमा छोला छोले जो भी होता है हमेशा एक ही रेसिपी क्यों फॉलो करनी है। मेरे ख्याल से तो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, और मैं खुद बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ कुकिंग के साथ, और अच्छा लगता है यार। मतलब एक ही चीज़ जैसे गोभी ही ले लो, गोभी की मुझे 4 से 5 वैरायटी बनानी आती हैं, तो मतलब सिर्फ गोभी की सब्ज़ी मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ सब्ज़ी मुझे 4 से 5 तरह की आती है। और कोई भी सब्ज़ी, यू जस्ट नेम इट और मैं बोलूँगी कि मुझे उसकी एटलीस्ट 2 तरह का सब्ज़ी बनानी आती है उस चीज़ से, कुछ भी हो, लौकी तोरी, इनफैक्ट जो तोरी तुरई जिसे बोलते हैं कोई नहीं खाता, वो उसके साथ भी मैं फ्यूचर में ज़रूर आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करूँगी, कैसे टेस्टी टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं हम ऐसी चीज़ों के साथ भी। अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से कल फिर एक नए व्लॉग में, वेट करिएगा मेरा। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, यहाँ तो ठंड बिल्कुल नहीं है, अगर आप लोगों के यहाँ है तो अच्छे से रहिए, बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होइए अपनी तबीयत को लेकर। और वैसे भी इस साल तो सिचुएशन कुछ अलग ही है, बहुत ज़्यादा डरावनी, थोड़ा भी कुछ होता है तो एक अलग ही ट्रैक पे माइंड चला जाता है, हमारा जाए या ना जाए हमारे आसपास वालों का ज़रूर जाता है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आपको किसी भी मोमेंट पर किसी भी पॉइंट पर मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप लोग आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा अगर मन करे तो फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।